अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। स्कूल खुल गए हैं, बट हमारे स्कूल खुलने में अभी टाइम बाकी है। लास्ट व्लॉग था कि मैं ट्रैवल करके प्लेन में कहीं जा रही थी, बट अब हम कहाँ गए? एक्चुअली मैं सिर्फ एक वीक के लिए दुबई के लिए गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मेरा टूर कितना हसीन हो जाने वाला है। मुझे मिल गई एक नई कंपनी, मेरी कुछ फ्रेंड्स और सब ने मुझे कहा कि यार ये ऑनलाइन काम बहुत अच्छा है, ये कर लो। मैं उसमें ऐसी बिजी हुई हूँ कि मुझे याद ही नहीं आज 20 दिन हो गए कि मैंने यूट्यूब ही नहीं चलाया। खैर, वो तो सारी डिटेल मैं आपको देने वाली हूँ, बट उसके साथ साथ उसके बीच में जो जो हमने किया वो थोड़ी थोड़ी फुटेज मैंने सेव की है। लेकिन आज मेरे पास टाइम है सिर्फ अपनी नानी के घर का। नानी के घर का ये है कि पहले मैं वहाँ गई, वहाँ से एक हफ्ता रह के आई, आई जॉइंट अ कंपनी एंड इट्स डूइंग सो गुड एंड आई एम जस्ट लविंग इट। माई वर्क इज़ सो गुड कि घर बैठे आप पैसे कमा रहे हैं, वाह जी वाह। इसके साथ साथ अब क्या है कि मुझे यह था कि मैं ज़िंदगी का पता नहीं होता, जाऊं अपनी पहले पहले अपने बुज़ुर्गों को तो मिलकर आऊं, पहले अपनी नानी को तो मिलकर आऊं। नाना तो पहले ही नहीं रहे, तो अभी नानों को तो छोड़ नहीं सकती, तो उनकी दुआएं तो होती हैं जो हमें इतनी हर चीज़ में बरकत डालती हैं। तो मैं चली गई अपनी नानों को मिलने, उनसे मिलकर आई। ट्रैवलिंग करनी है, वापस जाना है, पैकिंग करनी है, वीडियोस भी बनानी है और ऑनलाइन काम भी करना है, और बच्चे और फैमिली भी है। तो अब मैंने ये सोचा है कि मैं आपसे छोटी सी वीडियो शेयर करूँगी। नेक्स्ट टाइम आई विल बी गिविंग यू ऑल द डिटेल्स फॉर ऑल दोज वुमेन और वो बच्चियाँ या घर बैठे लोग जो कमाना चाहते हैं। अच्छा, इसके साथ दुबई में क्या क्या हुआ, क्या क्या किया, क्या शॉपिंग हुई, वो भी आपसे शेयर करूँगी। बट अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ छुट्टियों को वेस्ट ना करें। मैं तो यही चाहूंगी कि छुट्टियां एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आप अपनी नींद तो पूरी करते हैं अपनी मामा के घर जाके, नानों के घर, मेरी भी नानों, मेरे बच्चों की भी नानों का घर, मगर उसमें साथ साथ अपना हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करें। क्योंकि वो टाइम है जिसमें अभी हम अपने बच्चों को पढ़ा तो नहीं रहे, स्कूल ड्रॉप तो नहीं कर रहे, कोई घर का प्रेशर तो नहीं है, तो क्यों ना अपने लिए ज़िंदगी का ऐसा टाइम निकालें, अपने लिए वक्त निकालें। मेरे लिए तो छुट्टियाँ बड़ी लकी साबित हुई, मेरे लिए तो बहुत अच्छा हुआ। आई हैव अचीव्ड अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट ऑल माई गोल्स, बस एक दो रह गए हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना अच्छा ये टाइम गुजरा। कुछ मैं फ़्रेश हुई, कुछ मेरी एक्सरसाइज हुई, थोड़ा सा मैं रिलैक्स किया, मसाज भी कराए, पार्लर भी गए, अपनी टेक केयर भी की, अपनी स्किन का भी ख्याल किया, अपनी हेल्थ का भी ख्याल किया, वॉक भी की, जॉब भी की, काम भी किया और इन्जॉय किया। फुली रिलैक्स रही हूँ मैं पूरे 3 महीने और मैंने खूब इन्जॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब 3 महीने इसलिए कह सकते हैं कि आधा अगस्त भी तो बीच में डालो ना, तो फिर पूरे 3 महीने बनते हैं। तो मैं आप सबको यही कहूँगी, अपने आप को भी इन छुट्टियों में टाइम दें। बच्चों को ये जो होमवर्क सब बंद हो गए हैं, जो अच्छे स्कूल्स हैं वो कभी रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि ये आपका ब्रेन फ्रेश होने का टाइम है। देन यू आर गुड टू गो। अब जब बच्चे फ्रेश होके स्कूल जाएंगे तो वो इतना अच्छा पढ़ेंगे कि पूरा 10 महीने आपको उनकी कोई कंप्लेन नहीं होगी। बट अगर हम उनको फिर होमवर्क दें जून जुलाई और अगस्त में, तो क्या होगा? बच्चे तो फिर फ्रेश नहीं होंगे, माइंड तो आपका बिल्कुल भी वैसे का वैसा रहेगा। तो बच्चों के साथ इतना इंजॉय करें, उनको इतना घुमाएं फिराएं, उनको इतना फ्रेश करें कि व्हेन द फर्स्ट डे विल कम दे गो टू स्कूल दे विल बी फ्रेश विद फ्री माइंड, और वो जाके जो अब जाके करेंगे वो पूरा ग्रेड 5th हो 6th हो 7th हो, जैसे मेरे बच्चे बड़े ग्रेड में, तो आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो आप भी अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड इंशाल्लाह होपफुली आई विल बी मेकिंग एवरीथिंग, और आपको गाइड के लिए भी करने के लिए सब कुछ। हम स्कूल ओपन हो गए हैं और हमारी तैयारियां चल रही हैं। वाटर बॉटल्स देखें कितनी ज़बरदस्त हैं, मैंने पानी डाल के सारा चेक किया इसको, ताकि पानी गिर रहा है कि नहीं। लुक एट दिस वन, सो क्यूट, आई एम जस्ट लविंग इट। ऑल्सो अभी हाइलाइटर्स चीज़ें, अभी तो खैर बैकपैक पूरा आ चुका है, वो भी मैंने रेडी करना है, स्टिकर्स बनवा लिए मैं आपको। आ जाते हैं जी शूज़ पर। शूज़ तो आपको पता है उस पर तो कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता, सो ये स्केचर्स के शूज़ हैं बच्चों के, और ये इंशाल्लाह ताला चारों के मैंने उनको पहना के अच्छी तरह से चेक कर लिए हैं, और फिर मैंने इसमें रख दिया। हमने क्योंकि ट्रैवल करना है तो मैं बॉक्सेस नहीं ले जा सकती, तो मैंने बैग में प्रेफर किया मैं इसमें डाल लूँ। अब सब चीज़ें चल रही हैं, साथ साथ बच्चों की नई कैप्स भी आ गई हैं, काफ़ी हम चीज़ें ले ली हैं। अब स्कूल बैग, यस स्कूल बैग रह गया बुरहान का और फिजान का आ गया। अपनी ऑर्डर कर लो आइसक्रीम। 7000 का बैग,
और ये हाल है। तो ये देखो, सबसे पहली बात है कि बैग को इस तरह से देखा जाए कि वो स्पेशियस हो। इसमें आप देखिए कितने सारे पॉकेट्स हैं। ऑल्सो एक ईच पॉकेट हैज़ अ लॉट ऑफ स्पेस इनसाइड, जो बेस्ट है। आगे स्टेशनरी के लिए और पेंट्स के लिए ये यूज़ हो जाएगा। तो फिज़ान के तो ग्रेड 3 के लिए आई एम जस्ट लविंग दिस बैग, मगर बुरहान के ग्रेड 5 के लिए, माशाल्लाह 5th ग्रेड के लिए जो है ना, उसको मुझे कोई काफ़ी ऐसा चाहिए जो बेचारा इजीली कैरी करे, क्योंकि बुक्स तो दोनों की डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होने वाली हैं, बट एक का आई थिंक अपस्टेयर्स है। आई थिंक बुरहान इस क्लास हैज़ शिफ्टेड अपस्टेयर्स। तो अल्लाह खैर करे, बच्चों को अल्लाह कामयाब करे, आमीन। फिज़ान ले तक हूँ। ऑल्सो मैंने रोज़ स्कूल जाना है, तो रोज़ मेरे इतने एक्सपेंसिव परफ्यूम्स लग जाते हैं, तो मैंने आई थॉट व्हाई नॉट टू बाय फ्रॉम जे डॉट। परफ्यूम ले लें,